गाइस, गुड आफ्टरनून। आज मैं दोपहर से मतलब 1 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी माइंड से भी बिजी थी, थोड़ा सा मेरे काम भी था और इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई सुबह सुबह। मैंने अब किया है, बच्चों को लेके आ गई हूँ मैं स्कूल से। यार देखो ये कैसे पड़ा हुआ है। और मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय, क्योंकि मेरे पर ये साधन में रह गई थी और बच्चों को लेने के लिए चली गई थी मैं, और झाड़ू पोछा और सब काम मेरा हो गया है। अब मैं बनाऊंगी खाना बच्चों के लिए। बच्चों को लगी है भूख, बच्चों को नहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि आज माइंड से ज़्यादा ही काम ले लिया। वैसे कोई काम नहीं था, पर सिर्फ माइंड का ही था तो इसलिए ज़्यादा हो गया है। अब बनाएंगे खाना और बच्चे देख रहे हैं जब तक टीवी। और मैं सोच रही हूँ कपड़ों की तय कर दूँ, बेटियाँ रख देगी, पर देखो आऊँगी तो सही कर दूँ ना एक बार फटाफट। फिर मिलते हैं। लंच में मैंने बनाया ये रायता बूंदी वाला, और हरी मिर्च और धनिया की चटनी, टमाटर डाल के, घी है और चल रही है रोटी। देख रही है अभी टीवी, देखते हैं। काम तभी लड़कियों ने किया नहीं मेरा, मैं तय करके आ रही हूँ, कपड़ों को उठाया नहीं है। रख दो कपड़ों को, नहीं सावन सू शॉर्ट वीडियो भी डाल दी है, ब्लॉग भी डाल दिया है और टीवी भी देख लियो। फौजी भी आ गया, कल गए थे अपनी बहन के पास और आज आ गया है। और बहन ने देखो कितना सामान पहुंचाया है, कितनी ढेर सारी सब्जी पहुंचाया है। ये देखो गोल वाले भी, लंबे वाले भी, सब जैसे मतलब बताओ भेजे हैं। और घिया भी कई भेजी है इसके अंदर, देखो अभी मैंने निकाली भी नहीं है। भिंडी भी है, घिया भी है, और ये देख सबसे बढ़िया चीज़ दाल हरी मूंग की। और फ्रिज में रख दी मिर्च, हरी मिर्च इतनी सारी, इससे मतलब होगी सेर तो आराम से। इतनी मिर्च लेके आए, मतलब सब्जी की पूरी भरपार भर के दिया है। और एक लस्सी की बोतल भी दी है साथ में। और मैं कल लेके आ गई थी सब्ज़ी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ से सब्ज़ी लेके आ जाएंगे, तो इसलिए अब मैं करूँगी सब्जी की तैयारी डिनर की। टाइम हुआ है 6:15 का। और आज हमने ना कूलर चालू कर लिया, कूलर से ना ऐसी चिपचिपी सी गर्मी बन गई, नहीं चलाना नहीं चाहिए था। और दिन हम नहीं चलाते थे तो कूलर की हवा नहीं चलती थी, तो मौसम बिल्कुल अच्छा लगता था और बायो पंखा भी आराम से ठंडी हवा देता था। जैसे आज कूलर शुरू कर दिया ना, तो सबकी त्वचा ऐसे चमक रही है, क्योंकि वो पसीज के ना होता है ना उस टाइप का हो गया, तो इसलिए सबकी त्वचा चमक रही है। मैं काटूंगी सब्जी, कोशिश करूँ जल्दी खाना बनाने, लेट नहीं। क्या बना रहे हो बेटा? रोटी बना रही थी, मेरी हालत कैसे कुछ नहीं टपक रहे थे, मैं हाथ भी नहीं लगा सकती। मगर मैं चल रहा है छपरी, देखो ये छपरी ना टी शर्ट में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। रोटी बना रही हूँ, फौजी मीन्स पापा। ये मिर्ची जो धनिया के साथ फ्री में आती है। अच्छी है, 20 रुपए की लेके आई। गुड़गांव से बेटा, यार गांव को ना जमी सकती हो। धनिया और मिर्च फ्री दे दे, यार नहीं मिलती धनिया फ्री, नहीं मिलता मिर्च भी नहीं मिलती। 2-3 हाँक तो देनी चाहिए कभी कभी, बाय बाय चांस। भाई बड़ी सस्ती हो रही है ना, जब बेसन धनिया की दो दाल दे देंगे, वो भी रेडी वाले दुकान पे, तो वो भी ना मिल रहा है, वो भी 5 रुपया में लेना पड़े। और बेटा सब्जी भी मैंने तोरू की बनाई है, घर की तोरू की नर्द ने भेजी थी। मौसम बहुत खराब है, गर्मी, हमें तो आज कूलर चला के इतनी पिस्ता रही हूँ, कल से मैं कूलर नहीं चलाऊंगी दिन में। कम से कम ये पंखे तो ठंडी हवा दिया करते हैं, कूलर से ना चिपचिपी हो गर्मी करती, हालत खराब हो गई मेरी। रोटी बन गई है, खा भी ली है सबने, ये बर्तन बाकी रह रहे की मानती है की बाकी रह रहे हो जाती है, कितना बढ़िया रहता है। शाम तक साफ कर दी गई,
जल्दी काम हो गया। बस सोने से पहले ना ठंडा ही हो जाती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी और मन नहीं कर रहा गर्म दूध करने का। मन तो ठंडा ठंडा दूध पिया, अगर ठंडा दूध आए तो अंदर जाएगा नहीं, तो सोच रही ठंडा ही बना लूँगी। बर्तन धो के तो मैं ठंडा ही बनाऊँगी। इसलिए मैं दूध का भी गर्म करके नहीं पी सकती, तो इसलिए ठंडे दूध का बना रही हूँ। अगर वो आइस नहीं जमा था ना, आइस सारा काम हो गया है मेरा। हम कर रहे हैं सोने की तैयारी, सब रूम के अंदर जा चुके हैं, और मेरा कोई मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था इसलिए मैं कॉल पे लगी हुई थी, और मैं भी कर रही हूँ सोने की तैयारी। अब टाइम हो रहा है 9:40 का। गुड नाइट गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली। गुड नाइट गाइस।